खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में पांचवा राज्य खेल आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट सलामी ली। बता दें कि एक सप्ताह तक चलने वाले इस खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत 14 खेलों के 6000 खिलाड़ी, खेल अधिकारी और कोच हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं की शुरुआत की है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत ही सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे रही है, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी अधिक से अधिक खेलों में रुचि लेकर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। इसी कड़ी में सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं और आने वाले समय में भाजपा के पक्ष में रिजल्ट दिखाई देंगे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आज यहाँ पर खेलों का शुभारंभ हो रहा है और खेल की दृष्टि से लगातार आयोजन हो रहे हैं। ये हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं, उन राष्ट्रीय खेलों की भी अच्छी तैयारी होगी और उसके लिए भी एक अच्छा फील्ड बनेगा। हमारी जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, उनको अभी से तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को, इसके आयोजकों को, हमारे कोचों को, खेल संघों से जुड़े हुए सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसीलिए हम नई खेल नीति भी लेके आए हैं। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए हमने अनेक काम किए हैं। आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की भी व्यवस्था की है। जो खेल कोटा पहले बंद हो गया था, वह भी फिर शुरू किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। ऐसी अनेक योजनाएं हम खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड खेल भूमि भी बने, उसके लिए हम काम